जुड़ी हुई। आपको बता दें, एक तरफ ज्ञान व्यापी मामले को लेकर सुनवाई होने वाली है, दूसरी तरफ जानकारी ये है कि अब्दुल्ला आजम मामले को लेकर सुप्रीम कोर्ट में आज सुनवाई होगी। उनकी सदस्यता रद्द करने की ये जो पूरी प्रक्रिया थी उसको लेकर आज सुनवाई होने वाली, यानी कि अब्दुल्ला आजम के लिए काफी महत्वपूर्ण ये दिन होगा। तो ये बड़ी खबर है इस वक्त, और सुप्रीम कोर्ट आज सुनवाई करेगा इस पूरे मामले की। इस पूरे मामले को लेकर सुप्रीम कोर्ट की तरफ से आज सुनवाई की जाएगी, इस वक्त की बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं। तो ये बता दें आपको, अब्दुल्ला आजम की सदस्यता गई थी, उसी को लेकर यहाँ पर ये सुनवाई आज होने वाली है। तो मयूर शुक्ला हमारे साथ जुड़े हुए इस खबर पर भी। मयूर, आज अहम दिन है क्योंकि सदस्यता की बहाली को लेकर ये सुनवाई होनी है, तो काफी कह सकते हैं आजम खान के लिए काफी अहम दिन। हाँ बिल्कुल, देखिए काफ़ी अहम दिन है ये अब्दुल्ला आजम खान के लिए, क्योंकि 15 साल पुराना ये मामला है जब आजम खान और अब्दुल्ला आजम खान दोनों पर जो है भीड़ को उकसाने और सरकारी काम में बाधा डालने को लेकर इनके ऊपर आरोप लगे थे, मुकदमा दर्ज हुआ था। और इसी साल 13 फरवरी को मुरादाबाद कोर्ट ने इन दोनों को 2 साल की सजा सुनाई थी, जिसके बाद जो है विधानसभा की सदस्यता 15 फरवरी को ही चली गई थी अब्दुल्ला आजम खान की। अब्दुल्ला आजम खान ने सुप्रीम कोर्ट का दरवाज़ा खटखटाया था, एक सुनवाई भी उस पर हो चुकी है, जिस पर पिछली जब सुनवाई हुई तो यूपी सरकार से सुप्रीम कोर्ट ने जवाब तलब भी किया था कि अब्दुल्ला आजम खान जो है अर्जी डाल रहे हैं इस बात को लेकर कि उनकी सदस्यता रद्द ना की जाए, वो निर्दोष है। तो अब देखना होगा कि यूपी सरकार किस तरीके से अपना जो है आज बयान दर्ज कराती है, आज सुनवाई होनी है, और क्या अब्दुल्ला आजम खान को किसी तरीके की राहत सुप्रीम कोर्ट से मिल सकती है या नहीं मिल सकती, क्योंकि पिछले लंबे समय से हम देख रहे हैं कि अब्दुल्ला आजम खान हो या फिर आजम खान हो, उनके ऊपर लगातार योगी सरकार का शिकंजा कसता चला जा रहा है। एक मामले से निकलते हैं तो दूसरे मामले में उनके ऊपर कार्रवाई होना शुरू हो जाती है, ऐसे में विधायकी तो चली गई अब्दुल्ला आजम खान की, अब वो इस जुगत में लगे हैं कि कम से कम सुप्रीम कोर्ट में मामले को डाल के फिर से विधायक जरूर बना जाए। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने जवाब तलब यूपी सरकार से किया है, और अगर यूपी सरकार ने अपना सही जवाब देते हैं या फिर उससे संतुष्ट होती है सुप्रीम कोर्ट, तो कहीं ना कहीं अपने जो उनकी विधानसभा सदस्यता जो रद्द हुई है वो कायम रहेगी, और हाथ जो है अब जो है उसको गवाना पड़ेगा विधायकी को, अब्दुल्ला आजम खान को। तो आज अहम दिन है पिता और पुत्र दोनों के लिए, अब देखना होगा सुप्रीम कोर्ट की सुनवाई में फैसला क्या कुछ निकल के आता है। बिल्कुल, बहुत शुक्रिया मयूर ये जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए। तो बहुत अहम दिन अब्दुल्ला आजम के लिए, सदस्यता बहाली को लेकर आज सुनवाई होनी है।